देश के अंदर एक से बढ़कर एक आईपीएस अफसर हैं और ये पुलिस वाले अपनी जाबाजी और अपनी ईमानदारी और अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने डिपार्टमेंट को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज आपको लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस अफसर मंजिल सैनी का एक किस्सा सुनाएंगे। उनका ये किस्सा काफी मशहूर है। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरठ के नए कप्तान के रूप में चार्ज संभाला था। इससे पहले मंजिल सैनी लखनऊ में पोस्टेड थी। एक बार वो संडे को सुबह 11 बजे जीन्स टी शर्ट में सदर थाना क्षेत्र ट्रैफिक ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के गेट से कुछ दूरी पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और दबे पांव चालान शाखा पहुंची। यहां मौजूद एक सिपाही से उन्होंने पूछा उनका चालान कट गया है, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। सिपाही ने बिना देखे कहा, मैडम आज संडे है, चालान छुड़वाना है तो कल आइएगा। तभी वहां बैठे कुछ पुलिस कर्मियों ने अपने अफसर को पहचान लिया और मैडम को सल्यूट करना शुरू कर दिया। ये देख सिपाही के होश उड़ गए। एसएसपी ने मुस्कुराकर कहा कि पुलिस की कभी छुट्टी नहीं होती। मंजिल सैनी का एक किस्सा काफी ज्यादा मशहूर और चर्चित हुआ था। आपको बता दें कि मंजिल सैनी 2000 बैच की आईपीएस अफसर हैं और अपने सख्त अंदाज की वजह से जानी जाती हैं। मंजिल सैनी देश की पहली ऐसी महिला हैं जिसने शादी के बाद आईपीएस अफसर का एग्जाम क्लियर किया था। उनके पति एक बिजनेसमैन हैं और नोएडा में रहते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।